यदि आपका बजट है 15,000 और आपको इस बजट के अंदर एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारे वैल्यूएबल कॉन्टेंट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टॉप 5 ऐसे गेमिंग स्मार्टफोन जो कि 15,000 के अंडर में आते हैं और उनके साथ ही उनकी डिस्प्ले, बैटरी बैकअप और कैमरा भी शानदार आते हैं। तो आज की इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन होने वाला है वो है Realme 9i 5G। तो इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की हम बात करें तो इसके अंदर हमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही 400 नीट पीक ब्राइटनेस मिलती है और इसके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसके अंदर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर में हमें Realme UI का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 12 पे। और इसके अलावा बैटरी की हम बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। अब हम बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप की तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+2+2 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइमरी व सेल्फी कैमरा दोनों से ही बहुत बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हैं, वहीं फुल HD प्लस 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की तो इसके 6+128GB वेरिएंट की प्राइस है 14,999 रुपए। तो अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के फोर्थ नंबर गेमिंग मोबाइल पे, तो वो है IQ का Z6 Lite 5G। तो इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.58 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो की 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं 1300 नीट पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसमें हमें क्वांटागम स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 का चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और इसके सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इसके अंदर हमें फंटस 12 का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 12 पे। इसके अलावा बैटरी की हम बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 18 वोल्ट की फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है। अब हम बात करते हैं इसके बैक कैमरा सेटअप की तो हमें इसमें डुअल कैमरा सेटअप 50+2 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट की हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइमरी व सेल्फी दोनों ही कैमरा से बहुत बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हैं, वहीं फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो इसके 6+128GB वेरिएंट की प्राइस है 13,999 रुपए। तो अब बढ़ते हैं हम इस लिस्ट के थर्ड नंबर मोबाइल पे, तो वो है मोटरोला का G62 5G। तो बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और इसके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 का चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और अब हम बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तो इसमें हमें क्लीन UI का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 12 पे। इसके अलावा बैटरी की हम बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब हम बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप की तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+8+2 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइमरी व सेल्फी दोनों ही कैमरा से बहुत बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हैं, वहीं फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें बात करें तो साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइस की तो इसके 6+128GB वेरिएंट की प्राइस है 15,999 रुपए। और अब बढ़ते हैं हम इस लिस्ट के सेकंड नंबर मोबाइल पे, तो वो है इन्फिनिक्स का 05G 2023। तो बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है और साथ ही 500 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसके परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इसमें हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अलावा बैटरी की हम बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब हम बात करें इसके बैक कैमरा सेटअप की तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+2+2 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइमरी व सेल्फी दोनों ही कैमरा से बहुत बढ़िया फोटो क्लिक कर सकते हैं, वहीं बैक कैमरा से हम 4K व फ्रंट कैमरा से हम फुल HD 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो इसके अंदर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और फाइनली हम बात करते हैं इसके प्राइस की तो इसके 6+128GB वेरिएंट की प्राइस है 14,999 रुपए। और अब बढ़ते हैं हम इस लिस्ट के नंबर 1 मोबाइल की तरफ, तो वो है Realme का 9 5G SE। तो बात करें हम इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें हमें 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और इसके
परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हमें क्वेलकम स्नैपड्रैगन 7780 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इसके अंदर रियलमी यूआई का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड वी 11 पर। और इसके अलावा बैटरी की हम बात करें तो इसके अंदर हमें 5000 एमएएच की बैटरी मिलती है जो कि 30 वोल्ट के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो अब हम बात करते हैं इसके बैक कैमरा सेटअप की, तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप 48+8+2 मेगापिक्सल का मिलता है। और वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और इसके अलावा इसमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फाइनली बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 18,999 रुपए पर। यह मोबाइल हमें फ्लिपकार्ट सेल पर 15,000 के अंदर देखने को मिलता है। ये थे टॉप 5 गेमिंग स्मार्टफोन। और यदि आपको टॉप 3 डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और इसे जरूर से देख लें। और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।